नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पकवान गली में। मैं हूं आपका होस्ट ददन भाई। आज लेकर आया हूं खास आपके लिए केसरिया पुलाव की रेसिपी। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे जर्दा पुलाव, जाफरानी या मीठे चावल भी कहा जाता है। तो आइए बनाते हैं केसरिया पुलाव एकदम शानदार स्टाइल में। इसके लिए मैं ले रहा हूं सबसे पहले चावल। ये सेल्ला राइस है, बासमती राइस नहीं है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो इसे मैंने हल्के गुनगुने पानी में 15 से 20 मिनट तक भिगोकर रखा हुआ है। अब हम इसे पानी में उबालेंगे। इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी बड़ी कढ़ाई में उबलने के लिए रख दिया है। अब देख रहे हैं उबाल आ रहा है, तो अब इसमें हम चावल को डाल देंगे। जर्दा पुलाव या केसरिया पुलाव बनाने के लिए उसमें जो मेन चीज़ है वो उसका कलर है। तो कलर सिर्फ केसर से नहीं आएगा, तो हमने ये मीठा खाने वाला जलेबी कलर भी ले रखा है और इसे हम डाल देंगे। पानी में डालकर बढ़िया मिला दिया है और इसे ढककर 7 से 8 मिनट तक हम चावल को बॉईल करेंगे। 80% तक हमें चावल पकाना है, इससे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। 7 मिनट हो गए हैं, चावल देख लेते हैं कि कैसे हैं। ये बढ़िया बड़े चावल हो गए हैं, बड़े साइज हो गया है और ये दबाने से पक भी गए हैं। तो अब हम इन्हें ढक देंगे और आँच से उतार देते हैं और इन्हें छान लेते हैं। अगर आप बासमती चावल ले रहे हैं तो उसको पकाने का बहुत ये है कि उसको भी 5 से 7 मिनट पकाएं और इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। ये सेल्ला राइस हैं, ये थोड़े देर में पकते हैं और खिले खिले बनते हैं। तो इसलिए मैंने इस जर्दा पुलाव बनाने के लिए, केसरिया पुलाव बनाने के लिए मैंने सेल्ला राइस का इस्तेमाल किया है। तो चावल को मैंने छान लिया है। अब वापस से इस कढ़ाई को साफ़ करके मीडियम फ्लेम पर रख देते हैं और इसमें डालेंगे 4 छोटे चम्मच घी। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे बादाम है, छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 1 छोटी कटोरी काजू है, छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इस पे जाएगा 4 से 5 लौंग, 3 इलायची और इसे हल्का सा भून लेंगे ड्राई फ्रूट्स को। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स हल्के सुनहरे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, हम बाकी की चीज़ें इसमें मिलाएंगे। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे बढ़िया तरीके से भुन चुके हैं, तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं निकाल ले रहा हूँ ताकि हम इन्हें गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। अब जो घी गर्म हो चुका है, इसमें कुछ इलायची के दाने हैं, ये भी डाल दे रहा हूँ ताकि खुशबू और अच्छी आए। अब चावल, ये देख रहे हैं चावल बढ़िया है, खिले खिले दिख रहे हैं, चावल डाल देंगे। और बढ़िया तरीके से मिलाएंगे। चावल के बाद केसर वाला दूध, 1/2 कप दूध लिया है, उसमें केसर डालकर बढ़िया से घोल लिया था। ये केसर वाला दूध गया। किशमिश, आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते थे लेकिन मैंने नहीं किया है, किशमिश मिला दिया। चीनी 1/3 कटोरी है। जब 1 कप चावल ले रहे हैं तो उसका 1/3 आपको चीनी लेनी है। इन सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से डालकर मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब इसे ढककर सिर्फ 10 मिनट तक पकाना है, मतलब एक तरह से चावल को देग देना है।
तो ये जब 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि बढ़िया खिले खिले बनेंगे, तो इंतज़ार करते हैं 10 मिनट का। तो 10 मिनट हो चुके हैं, आइए देख लेते हैं ये केसरिया पुलाव का मिजाज कैसा है। बहुत शानदार हैं, खिले खिले हैं, लेकिन अभी इन्हें सर्व नहीं करना है, आँच बंद कर देते हैं और इन्हें 10 मिनट तक ऐसे ही रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये बढ़िया तरीके से और भी खिल जाएं। तो ये 10 से 12 मिनट तक चावल को मैंने रेस्ट देने के लिए रखा था। अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो आप देख रहे हैं कैसे बढ़िया चावल तैयार हुए हैं। और इन पे हल्का सा ड्राई फ्रूट्स, एक दो ड्राई फ्रूट्स डाल दिए जो मैंने तलने के बाद निकाल लिए थे। तो लीजिए, बनकर तैयार है शानदार जर्दा पुलाव या केसरिया पुलाव या जाफरानी पुलाव। तो अब देर क्यों कर रहे हैं, आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। और अगली रेसिपी के लिए बने रहिए पकवान गली के साथ। तब तक लीजिए ददन भाई का सलाम।